हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। यह वैकेंसी एम्स भटिंडा में निकाला गया है, यानी कि भटिंडा पंजाब में है। सबसे पहले ये बता दिए, जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला गया है, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे टेक्निकल सुपरवाइज़र और टेक्निकल असिस्टेंट, लेकिन इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc OT और BMLT। तो चलिए इसके बारे में और सारे डिटेल में बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। आप सीरियल नंबर 1 में देखेंगे टेक्निकल सुपरवाइज़र का, टोटल 1 सीट है जो कि जनरल के लिए है, और इसका सैलरी 60,166 रुपये पर मंथ है। नंबर 2 में देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, 4 सीट है, 3 जनरल के लिए, 1 OBC के लिए, सैलरी 47,436 रुपये पर मंथ है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए टेक्निकल सुपरवाइज़र का BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और उसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या OT टेक्नीशियन में BSc या ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, और उसके साथ 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन होना चाहिए, और उसके साथ साथ 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिसेबल क्वालिफिकेशन में है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट है 40 इयर्स। नंबर 2 में देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 5 ईयर एक्सपीरियंस सॉरी 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिसेबल क्वालिफिकेशन में है कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है 25 से 35 साल। इसका सिलेक्शन जो है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इससे पहले आपको यानी कि गूगल फॉर्म पर जा करके ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसको अच्छे से फिल करके, और जो आपका क्वालिफिकेशन है और उसके साथ अटैच करके आपको PDF फॉर्म में आपको पोस्ट करना होगा। इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे इस पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया होगा। एक में एडवर्टाइजमेंट होगा, दूसरे पॉइंट में इसका फॉर्म के बारे में दिया होगा, तो आप फॉर्म वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 मई 2022 शाम 3 बजे तक, और इसका इंटरव्यू डेट है 18 मई को। रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे से 11 बजे तक 18 मई को। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है वेन्यू न्यू एडमिट ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भटिंडा। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा, वहीं पे आपको इंटरव्यू देना होगा। यह अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, इसके बाद फिल द गूगल फॉर्म बिलो मेंशन लिंक, यानी कि इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। इंटरव्यू के समय आपको जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है उसका ज़रूरत है, एज प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट ले लेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र, क्वालिफिकेशन प्रूफ यानी कि एज ए मेंशन इन इंसेंशियल क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी का जो रिसिप्ट होगा वो आपको देना है, यानी कि रिसीविंग फॉर्म जो आपको मिलेगा वो देना होगा।
नोट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एवव से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट दिया हुआ है, इस पे जाके आपको फ़ी जमा करना होगा, जिससे आपको एक स्लिप मिल जाएगा, आप उसे इसमें अटैच कर सकते हैं। 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। इसका टेन्योर जो है मिनिमम 6 महीने के लिए है, और इसका मैक्सिमम 2 साल का हो सकता है, या मतलब कि इस पोस्ट पे जब तक कोई परमानेंट स्टाफ नहीं आ जाता है तब तक के लिए भी ज्वाइनिंग हो सकता है। किसी कारण से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो समाप्त होता है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देगा और सैलरी देके उस पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।